सर। गुड मॉर्निंग, आज तुम कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं गई? सर, नैरोबी से फैक्स आने वाले थे और मुझे पता था कि आप यहाँ आने वाले हैं। ठीक है, मेरे केबिन में आ जाओ, कुछ जरूरी बात करनी है। इन अ मिनट सर। यस सर। डायना, तुम दुनिया भर की खबरें रखती हो। ऑलमोस्ट सर। तो मुझे पता करके बताओ कि हमारे ऑफिस में जो कुछ होता है उसकी खबरें मेरे डैड तक कौन पहुंचाता है। यू मीन फैक्ट्री को नदी किनारे से शिफ्ट होने की बात? Precisely. लेकिन ये बात तो सिर्फ आपके और मेरे बीच हुई थी सर। तो यही तो मैं जानना चाहता हूँ, ये बात मेरे डैड तक कैसे पहुंची? वेट अ मिनट सर, मैंने ये बात आपसे और उजला जी से, राइट right. और उजला जी ने ये बात पार्टी के किसी मेंबर से कर ली होगी, और क्यों ना करें, ये तो उनके लिए खुशी की बात है, और वहीं से ये बात आपके डैडी तक पहुंच गई होगी। उजला की पार्टी का आदमी ये बात अपने दुश्मन तक पहुंचाएगा क्यों? पार्टी के लोग नहीं सर, उनमें से कोई एक जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट का जासूस हो। क्यों, ये बात आपके डैडी ने अपोज की? नहीं नहीं, फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि इस जासूस को पकड़ा कैसे जाए। इसका हल तो मैं बाद में बताऊंगी सर, फिलहाल मैंने उजला जी को फोन करके पूछा था कि हमारे फैक्ट्री के साथ ऐसा क्या किया जाए जिससे पोल्यूशन बिल्कुल खत्म हो जाए। तो क्या बोली? आपको बताने का फायदा क्या सर? क्यों, आप ही ने तो कहा था कि आपके डैडी इस बात के खिलाफ है कि फैक्ट्री यहाँ से हटाई जाए। डायना, इस वक्त मेरे डैडी की चिंता छोड़ो और मुझे ये बताओ कि उजला ने कहा क्या। उन्होंने कहा था कि सोच कर बताएंगी, रिपोर्ट तैयार करेंगी। कब तक? टुडे आफ्टरनून शार्प 1:30। देन डोंट बी लेट, बी देयर एग्जैक्टली एट 1:30। रिपोर्ट लेने मुझे नहीं सर, आपको जाना है। मुझे? यस सर, और उजला जी के साथ लंच भी खानी है। ओके, एनीथिंग एल्स? नो सर, मैं सिर्फ ये सोच रही थी सर कि अगर हमें फैक्ट्री यहाँ से हटानी ही नहीं तो फिर रिपोर्ट तैयार करने का फायदा? डायना, जिस दिन तुम ये बातें समझ जाओगी, इस ऑफिस रिजाइन करके चली जाओगी। जाओ अपना काम करो। किशोरी, किशोरी। जी मैडम। तुम किशोरी हो? इल्ले, आपा ने तो सिखाया है मैडम कि नाम में कह रखी है, बस काम होनी चाहिए। अच्छा, खाना तैयार है? बराबर तैयार है मैडम। मैडम, बड़े भाई साहब आपसे मिलने आए। उन्हें ऊपर ले आओ। वो कहते हैं आपसे बैठक में ही बात करेंगे। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। जी मैडम। सलाद काट के रखना हूँ। जी मैडम। नमस्ते भाई साहब, महेश कह रहा था कि आप ऊपर नहीं आना चाहते। उजला, इंदर से तुमने क्या कहा? वो मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है। शायद उनकी आदत ही हो गई है, कभी कभी तो मुझसे भी सीधी मुंह बात नहीं करते, कभी आपसे। मैं ये जानना चाहता हूं कि तुमने मेरे बारे में उससे क्या कहा। भाई साहब, मैं आपके बारे में जानती ही क्या हूं जो उनसे कुछ कहती। हाँ, जो मेरे और आपके दरमियान बात हुई उसमें रत्ती भर का झूठ का इजाफा दिए बगैर मैंने उन्हें बता दी। क्या तुमने मुझे ये ताना नहीं दिया था कि भगवान ने मुझे औलाद नहीं दी? ये एक हकीकत है, अगर आपने इस हकीकत को मानकर ये कहा होता कि कुछ दिनों के लिए चिंटू को आपके पास भेज दो, तो मैंने भेज भी दिया होता। ताना अगर किसी ने मारा है तो आपने भाई साहब। मैंने? हाँ आपने। क्या आपने ये नहीं कहा था कि मैं एक अच्छी माँ नहीं बन सकती, कि उसे पालने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है? आपने तो उस बात का भी फायदा उठाने की कोशिश की कि जब इंदर की आंखें खुली तो मैं उनके पास नहीं थी और आप थे। लेकिन भाई साहब, इंदर की आंखें तब नहीं, अब खुली है, और वो आपकी नियत से वाकिफ हो गए, इसलिए
आइंदा अगर वो आपके साथ सीधे मुंह बात ना करे तो उसका शिकवा मुझसे ना कीजिएगा। विशाल, यह है इंदर के बड़े भाई साहब और यह है विशाल मेरे दोस्त विनी के पति। How do you do? याद आया, इंदर के जख्मी होने की खबर छपी थी तब इनके बारे में भी कुछ लिखा था, तस्वीर भी थी, तुमने भी पढ़ा होगा। नहीं भाई साहब, लेकिन सुना तो था कि किसी घटिया से पेपर में कुछ छपा था, लेकिन ऐसे घटिया पेपर मैं पढ़ती नहीं हूँ। भाई साहब, लंच तैयार है, खा के जाइएगा। विशाल, लंच तैयार है। भाई साहब कुछ नाराज लग रहे थे। मुझसे तो वो हमेशा नाराज ही रहे हैं। ये इंदर से मेरी शादी के खिलाफ जो थे। इस शादी के तो बहुत से लोग खिलाफ थे। आज बहुत अच्छे मूड में लग रहे हो। तुमने लंच पे जो बुलाया है। तो तुम्हारा मूड और ठीक कर लेती हूँ। इसमें पूरी रिपोर्ट है, आराम से पढ़ना। ये कॉटेज इंडस्ट्रीज लगाने से तुम्हारा नुकसान बहुत कम होगा ही, इसके साथ साथ आसपास के लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। इंटरेस्टिंग। विशाल, तुम्हारे इस फैसले ने हमारी मूवमेंट को बहुत हेल्प दी है। जैसे ही तुम अनाउंस करोगे कि बिल पास होने के पहले ही तुम तुम्हारी इंडस्ट्री नदी के किनारे से हटा रहे हो, बाकी लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। कब कर रहे हो अनाउंसमेंट? उज्जला, मैं ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं कर रहा हूँ। तो फिर बिना किसी को बताए इंडस्ट्री वहाँ से हटाओगे? उज्जला, मैं इंडस्ट्री भी वहाँ से शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ। तो फिर इतनी देर से मेरा भाषण क्यों सुन रहे हो? अच्छा लग रहा था इसलिए। कम ऑन विशाल, बी सीरियस। उज्जला, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये इंडस्ट्री मेरी नहीं, मेरे पिताजी की है और उनके मेरे ख्याल बिल्कुल भी नहीं मिलते। सर, फिर वो दे दो मुझे, किसी और के काम आ जाएगा। नहीं, इसे मेरे पास ही रहने दो। तुम्हारी मेहनत उस दिन काम आएगी जिस दिन मैं अपने पिताजी के बिजनेस से टोटली इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा। भाई साहब, आपकी तलाश हो रही है। छोड़ो यार, ताश खेलते समय मैं और किसी से नहीं मिलता। गुड इवनिंग जनरल। गुड इवनिंग। मुझे आपसे अर्जेंट बात करनी है। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन। क्या बात है, इतने घबराए क्यों नजर आ रही हो? इट्स टेरिबल न्यूज डबराल। क्या है? उजला का बिल पास हो गया। लेकिन तुम्हें किसने बताया? इम्पोर्टेंट ये नहीं कि मुझे किसने बताया, इम्पोर्टेंट ये है कि अब हमें करना क्या है। लेकिन मैं अकेले कोई फैसला नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा नुकसान आप ही को है। फिर भी सबको साथ लेकर जाना पड़ेगा। I wish वो लड़की उसी दिन मर जाती। आपकी जीत हुई। जीत मेरी नहीं, हम सबकी है। बहन जी, अब आप जल्दी से जल्दी वो फैक्ट्रियां बंद करवा दीजिए और नदी का पानी भी साफ करा दीजिए बहन जी। हाँ बहन, अब सब काम बहुत तेजी से होगा, आप चिंता ना करें। अल्ताफ भाई, मैं ये खबर हिंदर को खुद सुना के आती हूँ। मैं भी आऊँ क्या? नहीं, मैं जल्दी वापस आऊंगी। भगवान उजला जी को लंबी उम्र दे। आओ उजला। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। सुनो फिर भैया, और तुम्हारे में कोई अनबन हो गई? ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी, इट वॉज जस्ट अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। भाई साहब, अगर मेरी कोई भी बात का आपको बुरा लगा हो, आई एम सॉरी। इंदर एक बहुत अच्छी खबर है। मैं जानता हूँ, तुम्हारा बिल पास हो गया। हाँ इंदर, अब तो नाराज नहीं होना कि मैं तुम्हें छोड़कर दिल्ली चली गई थी। Proud of you.
मुबारक हो उजला। धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब आप बैठ भी जाइए। इंदर तुम दोनों बात करो, मैं अभी नीचे आता हूं। उजला एक अच्छी खबर और भी है। मैं जानती हूँ तुम दो दिन में घर वापस आ रहे हो। छुट्टियां भी आ रही है, क्यों ना चिंटू को लेकर कुछ दिन गाँव घूमें? हाँ जरूर। विशाल आया था? हाँ मैंने उसे लंच के लिए बुलाया था। बिल पास होने के पहले ही वो अपनी फैक्ट्री नदी के किनारे से हटा देना चाहता था, लेकिन उसके डैडी ने मना कर दिया। विशाल तुम्हारे सोच से, तुम्हारे फिलॉसफी से बहुत प्रभावित है ना? हाँ, और कॉलेज में भी हुआ करता था। उजला तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि अगर विशाल तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर चलता रहा तो बहुत जल्द उसे अपने बाप से अलग होना पड़ेगा? तो इसमें कौन सी नई बात है, बड़े होने के बाद सभी अपने अपने रास्ते पे चल देते हैं। क्या तुम तुम्हारे भाई से अलग नहीं हुए थे? मैं तो तुमसे शादी करने के लिए अलग हुआ था। I'm sure अंदर, तुम मेरे लिए तुम्हारे भाई से अलग नहीं हुए, ना तो तुमने तुम्हारी जागीरदारी मेरे लिए छोड़ी। तुम्हारा एक एम था, तुम्हें कुछ कर दिखाना था, इसलिए तुमने। Okay, Ujla, I get your point. And I hope you try and understand what I'm trying to tell you. जिस तरह मैंने सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए अपने भाई, अपने जागीर को नहीं छोड़ा, उसी तरह विशाल ने भी तुम्हारी भाषण सुन के अपने बाप को छोड़ने का नतीजा नहीं लिया। खैर, तुम खुद समझदार हो। एक बात मुझे बहुत सताती रहती है। कौन सी बात? उजला, मैंने तुमसे कहा था कि तुम जितना तरक्की करोगी, जितना ऊंचा उठोगी, उतने ज्यादा तुम्हारे दुश्मन होंगे और कहीं लोग फिर से तुम पर हमला ना कर बैठे। तो करेंगे ही अंदर। अच्छा तुमने कभी सोचा है कि अगर वो लोग कामयाब हो गए तो मेरा क्या होगा, चिंटू का क्या होगा? अंदर, मौत को आने के लिए दुश्मनों की जरूरत नहीं, उसे जब आना होता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। हेलो विशा। हेलो डैड। ये क्या लेकर आए हो? आपने सुना नहीं, उजला का बिल पास हो गया? हाँ सुना था, लेकिन उसका हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उजला भी ये कह रही थी। डैड उसने मुझे ये मास्टर प्लान दिया है कि हम वहां कौन सी इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं जिससे पोल्यूशन कम होगा और वहां रहने वाले लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जैसा कि आप कह रहे थे नुकसान भी कम होगा। मैंने कहा था उजला के बिल पास होने का हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब हम अपनी इंडस्ट्री को कहीं नहीं हटाएंगे। यानी आप गैर कानूनी तौर पर? आज तक हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है और आज भी कानून के दायरे में रहकर तुम्हारे उज्ज्वला के बिल को नीचा दिखाएंगे। डैड उज्ज्वला मेरी नहीं है, अगर मेरी होती तो जब उसके फादर के पास आप मेरी शादी का रिश्ता लेके गए थे वो ना करती। आंखें कभी कभी देर से खुलती है। हाँ शायद एक दिन आपकी आंखें भी खुल जाए विशाल। जी हाँ, तब आपको एहसास होगा कि देश और देश की जनता का हित अपने स्वार्थ से ज्यादा अहमियत रखता है। कभी कभी तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि तुम मेरी औलाद ही नहीं हो। डैड ये गाली आपने मुझे और अपने आप को नहीं बल्कि मेरी माँ को दी है और आइंदा मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये प्लान रख लीजिए, किसी दिन आपके काम आएगा। Hi everybody. Hi Vinny. आप हैं इंदर के बड़े भाई साहब और यह है मेरी दोस्त विनी, विशाल की पत्नी। हेलो, आई होप यू आर हियर फॉर अ फ्यू डेज। मैं इंदर के ठीक होने की और उजला के बिल पास होने की खुशी में एक पार्टी दे रही हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप हैं वो मशहूर उद्योगपति डबराल की बहू। उनकी बहू होने के अलावा और विशाल की बीवी होने के अलावा मैं विनी डबराल भी हूँ, एक इंसान जिसकी अपनी एक आइडेंटिटी है और एक इंसान होने के नाते मैं दूसरे इंसान की खुशी में शामिल होना अपना हक समझती हूँ। What do you say, उजला?
पिनी तुम पार्टी रख रही हो, तुम्हारे फैमिली का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, कुछ अजीब नहीं लगेगा? मेरे उजला ठीक कह रहे हैं, बहुत अजीब लगेगा, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या कहें, यही कहेंगे ना कि इंद्रजीत के ठीक होने पर विनी डबराल ने पार्टी रखी है, क्योंकि इंद्रजीत और विनी का अफेयर चल रहा है। तुम कहने दो, मैं इस किस्म के मजाक बर्दाश्त कर सकती हूँ? नहीं विनी, लोग तो यह कह रहे हैं कि इंडस्ट्री वालों ने मुझे मरवाने की कोशिश की, जिसमें इंद्रजीत को गोली लगी, और अब उन्हीं के ठीक होने पर तुम पार्टी रख रही हो, स्कैंडल तो होगा ही ना? भाई जहां तक मेरा सवाल है, मैंने तो किटी से पहले कह दिया था कि मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आ पाऊंगा। उजला, तुम भी आओगी या नहीं? जब इंदर ही नहीं आ रहे तो फिर मैं कैसे आऊंगी? उजला, ये पार्टी मैंने सिर्फ इंदर के ठीक होने पर नहीं, मगर तुम्हारे बिल पास होने की खुशी में भी रखी है। ठीक है, अगर तुम भी नहीं आना चाहती तो मत आओ, मगर ये पार्टी जरूर। मैंने आपको पहचाना नहीं, आप सर से मिलना चाहती हैं? जस्ट अ मिनट मैम। सर, मिसेस डबराल वांट्स टू सी यू। तो अंदर भेज दो, पूछ के रही। ओके सर। यस मैम, यू मे गो इन। नाउ आई अंडरस्टैंड, विशाल तुम्हारी इतनी तारीफ क्यों करता है? सब ठीक तो है ना? हाँ, यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा ये पार्टी का कार्ड दे जाऊं तुम्हें। कौन सी पार्टी? तुम्हें बताया तो था, इंद्रजीत के ठीक होने की और उजला के बिल पास होने की खुशी में। विनी, डैड वोंट लाइक इट। विशाल, ये पार्टी मैं डैड की खुशी के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए रख रही हूँ। योर लेटर। डायना, जब पति पत्नी एक रूम में हो तो थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। मैडम, दिस इज एन ऑफिस एंड दिस लेटर इज अर्जेंट। थैंक यू डॉक्टर। आई डोंट लाइक हर फिट। तुम्हें उसे पसंद करने की जरूरत भी नहीं। यू आर एब्सोल्युटली राइट, जब तुम्हें वो पसंद है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? विनी, मैं बस इतना कह रहा हूँ, तुम इस पार्टी का ख्याल छोड़ दो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। पार्टी तो होगी विशाल, चाहे इसमें तुम्हारे डैडी को बुरा लगे या फिर तुम्हें। इस पार्टी पे विनी इतना जोर क्यों दे रही है, मेरी समझ में तो नहीं आया। वो मेरी कॉलेज की सहेली है, तुम भी तो उसे उस वक्त से जानते हो। वो कोई भी काम ऐसा नहीं करती जिसमें उसका फायदा नहीं हो। फायदा तो होने से रहा, अगर कुछ हुआ तो नुकसान ही होगा। विशाल का बाप उन दोनों को घर से निकाल देगा, देखना। शायद वो उसके लिए तैयार हो। शायद। ऐसे बेचारा विशाल तुम्हारे बहकावे में आ गया। आजकल तुम उन लोगों के बारे में बहुत ज्यादा बात करने लगे हो। अच्छा बाबा, सॉरी। क्या? घूमो। क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ इसलिए। बहुत ज्यादा दर्द होता है? नहीं, थोड़ा सा। अरे ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं। तुम नहीं ना, बस